हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में कल जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद का देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है, किस लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है, और फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पढ़ा था कि क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को जो दो भागों में बांटा गया है, कल भी हम लोग ने देखा था कि दो भागों में बांटा गया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन या इसी को हम लोग कहते हैं लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। या नॉन एंजाइमेटिक फेज कहते हैं, नॉन एंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इन सब नामों के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। यदि लाइट नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोकेमिकल फेज इसलिए कहते हैं कि फोटो मतलब हो गया लाइट, यानी कि लाइट जरूरी है और केमिकल रिएक्शन है, तो इसीलिए कहते हैं कि फोटोकेमिकल फेज। और इस रिएक्शन के दौरान कोई भी एंजाइम भाग नहीं लेता है, एक भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसीलिए नॉन एंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट नॉन रिएक्शन है, यानी कि दुनिया में सबसे तेज गति से होने वाला रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये आता है, क्योंकि इसके दौरान जो रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्टिवेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होकर के पुनः अपने ऑर्बिट में 10^-9 सेकेंड में वापस आ जाता है। तो अब देखेंगे हम लोग कि इस फेज में क्या क्या होता है। तो ये इसका अलग अलग नाम है और नाम होने का उसका कारण हो गया। तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीजें होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान मुख्यतः तीन चीजें होती है। तीन चीजें कौन कौन होती है, तो एक है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। यानी कि लाइट रिएक्शन के दौरान तीन चीजें हो गई, एक एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। अब ये एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, ये होता है NADPH2 और ATP, यानी कि वह चीज जो आगे डार्क रिएक्शन में यूज होगा, आगे डार्क रिएक्शन में यूज होता है वो एसिमिलेटरी पावर कहलाता है।
तो अब हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी लेता है। तो लाइट लेने के बाद एनर्जी लेने के बाद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक्टिवेट होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो वह अपने एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा और फिर वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके वापस अपने एनर्जी लेवल में आ जाता है। तो इस काम को होने में वही 10^-9 सेकेंड का समय लगता है। मतलब इतना ही समय में इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल का वह लाइट एनर्जी लेता है, अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है और फिर दूसरे ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल से फिर वापस अपने ऑर्बिट में वापस आ जाता। तो इसी वापस आने के दौरान एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। अब जब हम लोग और पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ पर जो है क्लोरोफिल का जो अलग अलग होता है तो मतलब वो फोटो सिस्टम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम जो है उसको दो तरह के होते हैं, अलग अलग क्वांटासोम में होता है। तो अभी जो 10th में पढ़ने के लिए है वो यही है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन से क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होकर के वापस अपने एनर्जी लेवल में आ गया। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लिया और जो एनर्जी लूज किया तो वह एनर्जी लूज जो होता है तो उसी में क्या होता है कि ADP से ATP का निर्माण होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल का जो है वह जो एनर्जी लूज करता है उसी एनर्जी की मदद से ADP से ATP का निर्माण होता है। और चूंकि यह लाइट एनर्जी से होता है तो इसीलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी कि ADP से ATP का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो अब फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ATP बना। अब क्या होता है कि इसी दौरान फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो किसका ब्रेकडाउन? तो वाटर का, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो फोटोलाइसिस कहलाता है। तब फोटोलाइसिस जब होता है तो फोटोलाइसिस होने के बाद क्या होता है, वाटर जब टूटता है तो हम इसको दो तरफ से लिख सकते हैं कि वाटर जब टूटता है तो क्या होता है। हम एक ऐसे लिख सकते हैं कि दो वाटर का मॉलिक्यूल 4H+ और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाता है, या तो हम सीधा ये लिख सकते हैं और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, या हम यदि लिखते हैं इसको तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी कि H2O जो है वह OH- और H+ में टूटता है, फिर दूसरा H2O जो है वह टूटता है OH- और H+ में, फिर ये मिल करके इसके मिलने से फिर H+ और O2 बन के बाहर निकल जाता। तो इस हिसाब से कि हमको दो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से चार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता है, या हम सीधा एक वाटर मॉलिक्यूल को यदि तोड़ेंगे तो हम लिख देंगे कि 2H+ और
O2 है। तो इस हिसाब से वाटर के टूटने से अब इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट एनर्जी है, लाइट के कारण ही टूटता है, इसलिए फोटोलाइसिस कहते हैं। तो अब क्या है कि जब ये टूट गया तो ऑक्सीजन जो है, यह ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर गया, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल गया। अब ये H+ आयन जो है, ये H+ आयन कहाँ जाएगा? सेल में एक मॉलिक्यूल होता है जो इसको यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। सेल में NAD ये यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, तो इसका होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसको यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इसलिए कहते हैं कि यदि सेल में कहीं भी हाइड्रोजन आयन दिखता है तो ये उसको पकड़ लेता है, यानी कि उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब क्या है, ये NAD जो है यह फॉस्फोराइलेटेड होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो NAD यूज होता है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं NADP। ठीक, तो ये NADP मतलब हो गया फॉस्फोराइलेटेड निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के ये बना लेगा NADPH2 मॉलिक्यूल। ठीक, वाटर के टूटने से जो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है वो हाइड्रोजन आयन NADP के साथ मिलकर के NADPH2 बना लेगा और इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी की मदद से ADP से ATP बन जाता है। तो ATP बनने को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, लेकिन चूंकि लाइट एनर्जी से बनता है इसीलिए इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो अब दो चीज बना, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या काम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का वो एक्टिवेट हुआ, उसके एक्टिवेशन से जो एक्टिवेट होने के बाद, इलेक्ट्रॉन के एक्टिवेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो पुनः अपने ऑर्बिट में आता है तो जो एनर्जी रिलीज किया, तो उस एनर्जी रिलीज करने के बाद उस एनर्जी की मदद से ATP बना, और वाटर के टूटने के बाद जो हाइड्रोजन आयन बचा तो वह हाइड्रोजन आयन की मदद से NADP से NADPH2 बना। ठीक, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, कि लाइट रिएक्शन में जो बनता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट जो होता है वह बनता है क्या क्या, NADPH2, ATP और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये तीन चीज लाइट रिएक्शन के बाद बनता है, और इस तीन में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जबकि NADPH2 और ATP जो है यह सेल में ही रहता है। अब है क्या कि ये काम जो होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन का जो काम है, लाइट रिएक्शन का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, तो लैमली पर होता है। लाइट रिएक्शन का पूरा प्रोसेस लैमली पर होता है, थैलेकोइड लैमली या ग्रेनल लैमली
जो भी होता है, क्या हम कह सकते हैं कि ग्राना में, तो ये लाइट रिएक्शन पूरा का पूरा ग्राना में या थैलेकॉइड पर होता है, क्योंकि इसी थैलेकॉइड या ग्राना पर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण से स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन जो है वह ग्राना और थैलेकॉइड में होता है। तो लाइट रिएक्शन ग्राना और थैलेकॉइड में होता है, तो चूंकि वहां पर क्लोरोफिल होता है इसीलिए वहां होता है। ठीक, तो ये हो गया लाइट रिएक्शन का जो होता है लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है और क्या है वो। और तो लाइट रिएक्शन के दौरान तीन चीज बना, NADPH2, ATP और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें से ऑक्सीजन जो है वह एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, बाकी दो चीज जो है वो सेल में बचा रह गया, और वो दोनों चीज बाद में डार्क रिएक्शन के दौरान यूज होगा। और दूसरा फेज है डार्क फेज या डार्क रिएक्शन। इसके लिए लाइट जरूरी नहीं होता, लाइट इसके लिए जरूरी नहीं होता है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो लाइट इसके लिए जरूरी नहीं होता है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या है कि इस दौरान फूड का निर्माण होता है, फूड का यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसीलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन जो है रिड्यूस होता है, कार्बन रिड्यूस होता है, इसीलिए कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं। ठीक, इंजाइम यूज होता है, इसलिए इंजाइमेटिक फेज कहते हैं। इंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके हर एक स्टेप पर इंजाइम यूज होता है, इसलिए इंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मेल्विन केल्विन इसका खोज किए थे, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल कहते हैं क्योंकि मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक इसका खोज किए थे, इसलिए इसको केल्विन साइकिल कहते हैं।
इसके अलावा मेल्विन केल्विन जो है यह क्लोरेला एल्गी पर काम कर रहे थे, क्लोरेला एल्गी में इस चीज को खोजे थे, तो इसीलिए ये एल्गी है जिसमें इसका खोज हुआ। क्लोरेला एल्गी में मेल्विन केल्विन डार्क रिएक्शन का खोज किए थे, इसको C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वह 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसीलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। तो पहला कंपाउंड जो है वह 3 कार्बन का होता है, इसलिए C3 साइकिल कहलाता है। और यह पहला कंपाउंड जो है, यह पहला कंपाउंड होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA, तो इसीलिए PGA साइकिल भी कहते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट PGA होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए PGA साइकिल भी कहलाता है। तो ये सब इसका कई सारा नाम है जिसके पीछे ये कारण है। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज के दौरान लाइट जरूरी नहीं होता है, लाइट के प्रेजेंस या एब्सेंस पर इसका कोई असर नहीं होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसलिए बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। इस साइकिल के दौरान कार्बन रिड्यूस होके ग्लूकोज में बदलता है, इसीलिए कार्बन रिडक्शन साइकिल कहते हैं। हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, इसीलिए एंजाइमेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक इसका खोज किए, इसलिए केल्विन साइकिल कहते हैं, जो क्लोरेला एल्गी में खोजे थे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है इस डार्क रिएक्शन का वह एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए C3 साइकिल कहते हैं। और वह पहला प्रोडक्ट जो होता है वह फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसलिए इसको PGA साइकिल भी कहते हैं। तो ये सब कई सारा इसका नाम है, ये नाम इन सब कारणों से इसको दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें होता क्या। ये तो इसके नाम हो गए अलग अलग, इसमें होता क्या है उस चीज को हम देखेंगे। एक एंजाइम है जिसको रुबिस्को कहते हैं, वह स्ट्रोमा में पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है जिसको रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। इस दौरान पहले से बने हुए ये डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में होता है, और स्ट्रोमा में क्या होता है, सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। डार्क रिएक्शन के लिए जो भी चीज जरूरी है वो सारा चीज स्ट्रोमा में पाया जाएगा। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और एंजाइम की मदद से होता है, और यह एक साइक्लिक रिएक्शन है। साइक्लिक रिएक्शन है यानी कि ये इस तरह से एक समझ लीजिए कि साइक्लिक रिएक्शन का मतलब हो गया कि ये गोल सा चलते रहता है, हमेशा चल रहा है एक ही पाथ पर, और इसी दौरान ग्लूकोज बाहर होते रहता है। ये चल रहा है, अब ग्लूकोज बाहर होते रहता है, तो इसीलिए साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। लीनियर रिएक्शन हो गया कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन गया। जब सीधा हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया,
तो वो हो गया लीनियर रिएक्शन। ये साइक्लिक रिएक्शन है कि प्रोडक्ट यहाँ से यदि निकलता जाए और ये ऐसे आते जाए, ये चलते रहे और प्रोडक्ट इधर बाहर निकलता जाए, तो वो साइक्लिक रिएक्शन होता। तो डार्क रिएक्शन भी एक साइक्लिक रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट ग्लूकोज बाहर निकलते रहता है और यह रिएक्शन चलते रहता है। तो अब इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। अब क्या है कि एंजाइम है जिसका नाम हो गया रूबिस्को एंजाइम। यह सबसे ज्यादा मात्रा में दुनिया में पाया जाता है रूबिस्को दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी से जोड़ देता है। अब बनाते हैं, पहले एक बना लेते हैं आउटलाइन, फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है। काफी कॉम्प्लेक्स साइकिल होता है, आउटलाइन देख लेंगे कि कैसे कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड है आरयूबीपी, आरयूबीपी पांच कार्बन का कंपाउंड, ठीक। आरयूबीपी पांच कार्बन का कंपाउंड होता है और इससे बनता है 3PGA, इससे बनता है वन थ्री पी जी ए, इससे बना 1,3-PGAL और इससे बनता है, ये 1,3-PGAL से कई सारा चीज बनता है। इससे जो मेन है DHAP बना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और हम एक आउटलाइन में कर देंगे कि ग्लूकोज जो है वो बाहर निकला और फिर ये कई भागों में बढ़ जाता है। ये जेलुलोज 5 फॉस्फेट बनता है, जेलुलोज 5 फॉस्फेट, जेलुलोज 5 फॉस्फेट बना, जेलुलोज 5 फॉस्फेट से रेबुलोज 5 फॉस्फेट या आरयूपी ये बनता है और फिर इससे आरयूबीपी बनता है। तो ये एक आउटलाइन है। अब हम यहां जो है ये CO2, इस CO2 इसमें आके मिलता है, तो यहाँ मिलने में मदद करता है रूबिस्को एंजाइम, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी से जोड़ देता है रूबिस्को एंजाइम। तो रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को जब आरयूबीपी से जोड़ देता है तो यह 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये 1 कार्बन है, दोनों मिलकर 6 कार्बन हो गया, तो 6 कार्बन का कंपाउंड यह 3 कार्बन के 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल PGA बनता है। तो 3 × 2 = 6 को हो गया, तो 6 कार्बन का ये है 2 भाग में बट गया, तो 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बन गया, इसी हिसाब से ये बढ़ता है तो ये बनता है। तो अब क्या है कि जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो ATP था और NADPH2 था वो दोनों यहाँ यूज होता है। तो कहाँ यूज होता है, तो यहाँ यूज होता है
और यहाँ यूज होता है और यहाँ यूज होता है। कहाँ क्या यूज होता है? तो हम चूंकि एक ग्लूकोज का पूरा बना रहे हैं तो हम लिखेंगे कि एक साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होने के लिए डार्क रिएक्शन को 6 बार होना पड़ेगा, यानी कि एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, जब 6 बार होगा तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो जब हम 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो यहाँ 12 ATP खर्च होके 12 ADP में बदल जाएगा। तो 12 गो फॉस्फोरस यहाँ यूज हो गया, 12 NADPH2 से 12 NADP यानी कि हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन इसमें चला गया और 6 ATP यहाँ यूज हो गया। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 18 ATP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल का जरूरत होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के निर्माण के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता का जरूरत होता है 18 ATP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए। ठीक, तो अब इस तरह से डार्क रिएक्शन में जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो अब कुछ फुल फॉर्म हम लिख देते हैं, जैसे PGA है, ये हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGAL है यह हो गया फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड, DHAP है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, RUP है ये हो गया रेगुलोज 5-फॉस्फेट, फाइव फॉस्फेट मतलब हो गया कि 5वें नंबर पर फॉस्फोरस है, और RUPP जो है 1,5 रेगुलोज फॉस्फेट या रेगुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, 1,5-बाइफॉस्फेट, और रुबिस्को इंजाइम रेगुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज होता है, या सीधे उसको हम लोग रुबिस्को इंजाइम कहते हैं। तो इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए डार्क रिएक्शन को यानी कि केल्विन साइकिल को 6 बार होना पड़ेगा, जब 6 बार होगा यानी कि एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2 का यूज होता है एक साइकिल में, तो 6 साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH2 का उपयोग होता। तो इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस तरह से ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का निर्माण प्लांट में होता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होते रहती है। अब क्या है कि कुछ चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करता हूं, फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करता हूं, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है किस किस चीज से प्रभावित हो सकता है।
फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक इंटरनल फैक्टर जो प्लांट का खुद का होता है और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। ये दो फैक्टर होते हैं जिस पर फोटोसिंथेसिस जो है डिपेंड करता है। इसी में आता है एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये आता है और इसके हिसाब से जो है कि कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज भी जरूरी है उसमें जो चीज सबसे कम रहेगा फोटोसिंथेसिस का रेट उसी चीज पर निर्भर होगा। यानी कि यदि CO2 है, H2O है, लाइट है, ये तीनों चीज है। अब क्या है कि CO2 और लाइट पूरा है लेकिन H2O कम है, तो H2O के हिसाब से फोटोसिंथेसिस होगा। यदि CO2 कम है तो CO2 के हिसाब से होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चा क्लास में सबसे कमजोर है पढ़ाई उसके हिसाब से चलेगी। तो इसी को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं कि जो सबसे कम है, जो सबसे कमजोर है, रिएक्शन उस हिसाब से बढ़ेगा या फोटोसिंथेसिस का रेट जो है उस हिसाब से चलेगा, तो वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में जो आता है जो बाहर से है, जैसे लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी हो गई, लाइट की क्वालिटी हो गई, लाइट का ड्यूरेशन हो गया, ये सब लाइट में आता है। किस कलर का लाइट है, कम लाइट है कि ज़्यादा लाइट है, उस पर निर्भर करता है। लाइट कितना देर तक पड़ता है प्लांट पर, यानी कि लाइट का जो ड्यूरेशन है उस पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पर निर्भर करता है। वाटर है, इस पर निर्भर करता है। जो कम रहेगा उसके हिसाब से चलेगा। टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम्स काम करना बंद कर देता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट रुक जाता है। फोटोसिंथेसिस सबसे बेहतर जो है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमम होता है। यानी कि सबसे बढ़िया रेट से फोटोसिंथेसिस जो है वह 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ठीक, जनरली ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, ये सब जिस पर फोटोसिंथेसिस का रेट इफेक्ट करता है। और इंटरनल फैक्टर में हो गया साइज ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, प्लांट में लीफ कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ होता है या स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हम कह सकते हैं, कैसा है, ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है कि नहीं, ज्यादा लाइट उस पर पड़ रहा है कि नहीं, इस हिसाब से। तो वो प्लांट का इंटरनल फैक्टर हो गया कि लीफ कैसा है, नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कितना है, ये सब प्लांट के इंटरनल फैक्टर आते हैं। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, ये सब चीजें आती है। तो इस तरह से ये चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस में होता है। तो ये फैक्टर हो गए जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू। जिसको जो सवाल होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।